आप थैंक यू। वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं आप, कौन सी पोजीशन पे खेलते थे आप? पहले तो मैं आपका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। और ये मेरे उत्तराखंड का सौभाग्य है कि न्यूज 18 की टीम आज डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में कर रही है, इसके लिए आपकी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जहां तक आपने मेरे खेल की बात की, मैं वॉलीबॉल खेलता रहा हूं, कबड्डी खेलता रहा हूं। कबड्डी वॉलीबॉल में मैं जब उत्तर प्रदेश होता था राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूं। जी। स्मैशिंग जिसे बोलते हैं, स्पाइकर जिसे बोलते हैं, वो मैं करता रहा हूं। वाह। चार नंबर से मैं खेलता रहा हूं और मेरा सौभाग्य है कि मेरे टाइम के जितने खिलाड़ी है, हाँ, यदि वो मेरे उस समय का वो याद करेंगे तो लोग कहते हैं साहब यदि प्रेम अग्रवाल है तो मैच जीत जाएंगे। वाह क्या बात है, ये एक अद्भुत है। नहीं वैसे तो पार्टी भी कहती है अगर आप हैं तो जीत जाएंगे, ये भगवान की कृपा है। तो अगर चुनना होता कि कबड्डी और वॉलीबॉल से, तो वॉलीबॉल प्रेम पहला है? वॉलीबॉल पहला है कि निश्चित रूप से मैं नेशनल खेला हूं और ये तब के जब मैं उत्तर प्रदेश में होता था, यानी उत्तर प्रदेश एक अपने आप में बड़ा स्टेट है और तब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पार्ट होते थे जी, उस समय खेलना बड़ी बात होती थी। और कबड्डी में क्या क्या था आपका हिसाब? कबड्डी में भी वही था, मैं बस कोई यदि सामने से आ जाए तो सीधा। कबड्डी में सांस नहीं टूटती? नहीं नहीं नहीं, वो भी मेरा इंटरनेशनल खेला हूं। और राजनीति में भी सांस? राजनीति में तो अब आप जानते हैं राजनीति का अलग किस्म का खेल कह सकते हैं। राजनीति में तो ऐसा भी माना जाता है जो अच्छा करता है उसकी टांग ज्यादा खींची जाती है, हम कबड्डी में जो सामने आता है उसकी टांग खींचते थे। तो राजनीति में तो टांग थोड़ा राजनीति में जो अच्छा करता है उसकी टांग खींची जाती है, ऐसा है माना जाता है। माना जाता है बहुत, और राजनीति में जो कहा जाता है उसके बहुत सारे मायने होते हैं, वो बात तक चलती रहती है, चर्चाएं कॉरिडोर्स में चलती रहती हैं। लेकिन जनगणना की भी जिम्मेदारी आपके पास है जी। राहुल जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, योर ओपिनियन? देखिए राहुल जी किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं ये तो आप सब जानते हैं, और आप मान के चलिए कि जातीय जनगणना जो लोग कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, तो जरा वो बताएं कि 55-60 साल तो उनका राज रहा, शासन रहा, तब ये जातीय जनगणना उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने कराई? और ये वही पार्टी राहुल गांधी की है जब ये कहा करते थे कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज ये कौन सी परिस्थिति बदली है कि आप जातीय राज जनगणना पे बात करने लगे हैं? हमारा मानना ये है कि हम लोग जात पात को छोड़ के विकास की राजनीति करें, विकास की बात करें। स्वाभाविक रूप से आज देश को या किसी क्षेत्र को आवश्यकता है समाज को उस क्षेत्र के विकास की। आप जातिगत राजनीति करने के बाद विकास में रोड़ा डालते हैं, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने संकल्प लिया है 2047 को विकसित भारत बनाने में। ऐसे में उनको चाहिए कि कम से कम उसमें आप एक अच्छा रोल अदा करें। अब तो उन्होंने देखिए भारत की पूरी यात्रा कर डाली। अब आप ये देखिए कि जिस प्रकार से वो देश में यात्रा कर रहे हैं, विदेश में यात्रा कर रहे हैं, विदेश में जाके क्या बोलते हैं, देश में आके क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और वहां कहते हैं कि हम आ गए तो हम जातीय जनगणना नहीं करने देंगे। तो यानी विरोधाभासी उनके बयान रहते हैं। उस आधार पे ऐसे माननीय राहुल गांधी जी के बारे में तो एक ही बात लोग कहते हैं, उनको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं वो जाने। उन्होंने जातीय जनगणना के बारे में ये नहीं कहा कि नहीं होने देंगे, ये वाली बात जो आपने कही? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि यदि हमारी सरकार आ गई तो हम इसको खत्म कर देंगे, आरक्षण आरक्षण को खत्म कर देंगे, जाति गणना का कोई महत्व तो नहीं है, इस प्रकार के कई उन्होंने मतलब मेरा 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 उनके बारे में सिर्फ ये कहना है कि आप देश में कुछ कहते हैं, विदेश में कुछ कहते हैं, आप देखिए देश के अंदर की राजनीति को बाहर जाके किस प्रकार से देश को कंडेम करना है, देश की बात को किस रूप में आप वहां प्रकट करते हैं, जबकि आपके पास एक संवैधानिक पद है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम आज गंभीरता से अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर विरोधी पक्ष के नेता को बहुत गंभीरता से लोग लेते हैं, तो वो गंभीरता क्या उनको उनके अंदर दिखाई देती है? मैं आपसे राजनीति का एक सवाल और आपसे पूछ रहे थे, हरियाणा के चुनाव आए, रिजल्ट आए, और हरियाणा के रिजल्ट ऑक्सीजन की तरह बीजेपी के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें कही जा रही थी, बहुत सारे चुनावी पंडित जो थे धराशायी हो गए, फेल हो गए, तो ये ऑक्सीजन का काम किया या इसने क्या, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के बारे में बोला,
देखिए, आपको जानकारी होगी उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में भी ऐसे कहा जा रहा था, उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय नेता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया। और उसके बाद पहला चुनाव 2002 में आया जी। 2002 में यहाँ सरकार कांग्रेस की आई, 2007 में चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, 12 में कांग्रेस, 17 में भारतीय जनता पार्टी। तो एक ट्रेंड बन गया था कि 1-1, एक बार ये एक बार ये। लेकिन 2022 में जब ये चुनाव आया, जैसा भी आपने हरियाणा के बारे में कहा, वैसे ही यहाँ हमारे उत्तराखंड में कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस ही सरकार आएगी। और आप अदरवाइज मत लें, जितने यहाँ मीडिया के मेरे साथी हैं, ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि यहाँ कांग्रेस आएगी और भारतीय जनता पार्टी 17-20-25 में अटक जाएगी जी, कोई 17, कोई 20, कोई 22। लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल धराशायी हुई और आखिर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक उसी प्रकार से हमारे, चूंकि आप जानते हैं कि इस समय देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनका आशीर्वाद सीधा सीधा जिस प्रकार से रहता है, काम की तरफ रहता है, विकास की तरफ रहता है, तो ठीक है। एक बार तो हमें भी लग रहा था कि शायद, लेकिन वो शायद को भी लोगों ने, मैंने ये सवाल, और तीसरी बार फिर वहां पहली बार, देखिए जब से हरियाणा राज्य बना है, वैसे मैं आपकी जानकारी बता दूं, अब तो मैं उत्तराखंडी हूं लेकिन मैं मूलतः हरियाणा का हूं जी, और हरियाणा में कभी भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार नहीं करते थे। और पहली बार जब सरकार आई थी तो हम बड़े खुश थे, बड़े एक तरह से कहना चाहिए, हम बहुत गौरवशाली अपने आप को महसूस करते, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारे और अब तिबारे। तो जब से हरियाणा राज्य बना तब से पहली बार, तीसरी बार किसी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से अभी सुबह ही ये सवाल पूछा था कि वो जीती बाजी हार क्यों जाते हैं। एक पॉलिटिशियन होने के नाते, परिपक्व नेता होने के नाते, अपार्ट फ्रॉम द पार्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जीती बाजी हार क्यों जाते हैं? नहीं नहीं, जीती बाजी हार क्यों जाते विषय नहीं, जो जीतना तो वाला। अब आप यदि इस प्रकार से हम कांग्रेस के बारे में लें तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, पूरे देश के अंदर एक विषय यदि मैं अपनी तरफ से कहूं तो ये था कि पूरे देश में कांग्रेस शासित, सारे राज्य कांग्रेस शासित, सेंटर में कांग्रेस, और धीरे 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 लोगों को असलियत इनकी पता चली थी। और आज कांग्रेस पूरे देश से साफ है, दो राज्य हैं शायद इनके पास जहां कांग्रेसी सरकार है, हिमाचल और कर्नाटक, और उसके बाद राहुल गांधी जैसा नेतृत्व तो जिनके पास होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां सरकार कांग्रेस की आएगी। क्योंकि आज किसी सामान्य व्यक्ति से तुलना करेंगे आप जी, जहां एक तरफ नेतृत्व मोदी साहब का हो और उधर एक पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी जी करें, तो आप कल्पना कर सकते हैं राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार आएगी? ना तो नीति है, ना नेतृत्व है, ना कोई विजन है, ना सोच है, ऐसी स्थिति में कैसे मान लेंगे कि उनकी सरकार आएगी? तो वो जो राजनीतिक पंडित हैं या जो व्यक्ति आपको कह के गए कि हम जीती बाजी हार गए, मैं समझता हूँ दिव्या स्वप्न देख रहे थे, कहीं कांग्रेस आने वाली आज की तारीख में तो नहीं है। आज की तारीख में तो नहीं है। और कारण सिर्फ एक ही है, नेता, ना नीति, ना नेतृत्व, ना सोच, ना कोई विजन है। तो किस प्रकार से, और फिर उसके बाद इस प्रकार की आप राजनीति करेंगे जहां देश को विकास की आवश्यकता, आप जाति जनगणना के साथ बात करेंगे। आज हालत यह है कांग्रेस की कि यदि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 9 सीटों पर हो रहा है, इनके अलायंस पार्टनर इनको एक सीट देने को तैयार नहीं है, और एक सीट या दो सीट वो दे रहे हैं जहां पे उनकी अहमियत नहीं है, और आखिर में कह रहे हैं साहब आप ही लड़ लो, हम आपके साथ हैं। उस कांग्रेस की आज ये हालत हो गई कि जो इनके अलायंस पार्टनर वो इनको आंखें दिखाते हैं, उनके पीछे आप खड़े हो जाते हैं। तो क्या वो पार्टी सर्वाइव करेगी, या वो पार्टी आगे समय आएगी, या वो पार्टी आगे कुछ काम करेगी? यानी कि आप महाराष्ट्र में, आपके बारे में कहां अलायंस हो पा रहा है, क्या आपके साथ बातचीत हो पा रही है? कहां यूपी के उपचुनाव में आपके साथ बातचीत हो पा रही है? क्या आप मानने की इस प्रकार का, जो 55 साल जिस पार्टी ने राज किया। और एक बात पहले मुझे याद है, पहले ये कहा जाता था कि जितने भी हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो 1980 और उससे पहले जनसंघ किसी रूप में आप लीजिए, मैं गया, मेरी पृष्ठभूमि आरएसएस की है, संघ की है, मैं वो दीवे जिसपे हम दीपक का निशान बोल रहे तब से हम लोग पार्टी में है, उसके लिए भी हमने काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी के उस कमल के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे याद है अच्छी तरह से कि हमारी लोग खिल्ली उड़ाया करते थे, यानी कि जनसंघ की तो खिल्ली उड़ाया करते थे, और ये स्थिति तक थी उस समय कि जब हम वोट मांगने जाते थे तो
तो लोग कहेंगे ये भी कभी राज करेंगे, मतलब हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं कि क्या ये भी राज करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो आज आप कह रहे हैं क्या, मैं एक मिनट मैं उसके बाद हम आगे बढ़े, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब आपको याद होगा 1984 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कितनी सीटें थी, 2, और आज हमारी तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बना रहे हैं, का मतलब कोई तो हम लोग काम कर रहे होंगे ना, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर होगा। वो कह रहे तब कहा जाता था कांग्रेस वर्सेज ऑल, आज ठीक स्थिति वैसी है कि भाजपा वर्सेज ऑल, तो इसका मतलब वो कहां होंगे अब आप कल्पना कर सकते। वो ही कह रहे हैं 99 हैं हम। हाँ 99 हैं, कितने कहेंगे, पहला कोई ये कोई दल है जो 404 1984 में लाता है और 2014 में 44 लाता है, 2019 में 52 लाता है, 2024 में 99 लाता है, सारा जोड़ लो तो 240 भी जिनका नहीं होता, उससे आप कल्पना करेंगे वो सत्ता में आएंगे। और फिर नीति क्या है या नियत क्या है या जनता को बरगलाने के कारण, यदि चलो आप 99 आ गए तो 99 वाला काम तो करिए ना। सर वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान आप बदलना चाहते हैं, संविधान को संकट में डालना चाहते हैं। देखिए ये इन्होंने चुनाव से पहले एक नारा दिया या जनता को भ्रमित किया, मैं कह रहा हूं कि आज सरकार को उन्होंने इतना टाइम, कहीं आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहीं सोच भी सकता है कोई व्यक्ति की जो संविधान से कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई व्यक्ति सोच सकता है, कोई दल सोच सकता है। मेरे हिसाब से इस प्रकार का इन्होंने बयान देके इस प्रकार का भ्रम फैला के, चलिए सत्ता में तो नहीं आए लेकिन 99 सीटें आ गई, लेकिन आज की तारीख में अब लोग इनके आने वाले चुनाव में, जो हरियाणा की आपने बात की, मैं उसमें यह बात भी जोड़ सकता हूं कि जिस हरियाणा में हमें 10 में से 5 सीटें मिली थी, यानी हम आधे में आ गए, आधे में आ गए थे जी, तो जनता ने वो जो 5 सीटें गवाई उन्होंने अपनी भूल को सुधारा है कि इन्होंने संविधान आरक्षण और ये सारी बातें जो की थी, कम से कम ये झूठ बोल रहे थे, तो वापसी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी दी कि कम से कम ये झूठ का फरेब का राजनीति नहीं कर पा रहे थे, ये आज झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो वापसी दी भारतीय जनता पार्टी को, यानी जनता ने विश्वास व्यक्त किया। आज जनता का भरोसा किसी पे है तो मोदी पे है, भारतीय जनता पार्टी पे। खैर राजनीति है लेकिन जिम्मेदारी भी है आपके पास जी, और बड़ा मंत्रालय आपके पास है, कई शहरों का सौंदर्य आपके पास है, देहरादून जैसी सिटी जो लोग कह रहे हैं कि लैंड को लेकर समस्या है, कितना एक्सपेंशन करें, नया शहर बसाएं इसके बगल में तो कैसे बसाएं, बहुत सारी चर्चाएं सुबह से हो रही हैं। नैनीताल है, उसकी भी एक लिमिटेशंस है, मसूरी है, लिमिटेशंस है, तो ऐसे में शहरीकरण जो है और खासतौर से वो जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं, बाहर से टूरिस्ट भी लाना है क्योंकि वो रोजगार का एक साधन, तो कैसे सामंजस्य बैठाना है और क्या नीति होगी और क्या नीति पे चल रहे हैं। देखिए आज मेरे उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उत्तराखंड जितने भी हमारे अन्य राज्य हैं, मैं किसी राज्य के प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि आज लोगों का जो आकर्षण है वो उत्तराखंड के प्रति बढ़ा है, यहाँ की खूबसूरती, मतलब हिमाचल से आप ज्यादा कह रहे हैं। मैंने कहा ना किसी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, शब्द बोला मैंने, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, मेरा अपना राज्य, मैं अपने राज्य को खूबसूरत कहूंगा, मेरा स्वाभाविक अगर है भी, तो मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं कि आज आप ये देखिए कि हमारे राज्य की पॉपुलेशन है 25 करोड़ राइट, और हर वर्ष लगभग 7 से 7.5 करोड़ लोग प्रति वर्ष फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में मेरे उत्तराखंड में आते हैं, और जो आपने शहरों के लिए कहा, मैं ये भी मान सकता हूं कि हमारे बहुत से लोग पहाड़ के, बहुत से लोग अन्य राज्यों के, वो हमारे यहां आके बसना चाहते हैं। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम हमारे सामने आज एक विषय हमारे सामने आता है कि हम इसको कैसे राहत लोगों को दें। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे एक मुद्दा आजकल बहुत गंभीरता से चल रहा, मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाह रहा हूं, हम एक सख्त भू कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द हम उसको लाने वाले हैं, सख्त भू कानून, यस यस, और उसका कारण क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे आपने जो एक शब्द बोला वो बिल्कुल वास्तविकता है, हमारे यहाँ 71% तो फॉरेस्ट है 29% में आपकी शेष सारी चीजें हैं, और उसके अंदर भी हमारे यहाँ जो बढ़ता हुआ ये जनसंख्या है, बढ़ते हुए डेवलपमेंट्स हैं,
तो उसमें कितने हम लोगों को और लोगों को बसा सकते हैं ये आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे में हमने कहा है कि जो बाहर के अन्य लोग आ रहे हैं वो यदि जिन्होंने हमारे यहां पहले आ गए, आपसे हमने कहा कि आपको 250 वर्ग मीटर देंगे, लेकिन आपने जो है प्रयोजन जो था वो न करके आपने 3-4-5 परिवार के लोगों की उस प्रकार से लैंड आपने ले ली और प्रयोजन आपने वो पूरा नहीं किया। तो हमने अभी ये तय किया है कि जो इस प्रकार का जो प्रयोजन था वो नहीं किया किसी ने तो उसकी उसकी जो जमीन है वो गवर्नमेंट में निहित करेंगे। ऐसे ही आपने किया अभी किया। अब वो तो ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे जिस बात पे आप जा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जो अतिक्रमण है वो उस विषय पे आप कह सकते हैं अतिक्रमण के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, देखिए मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 6 मिनट बचे हैं, दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो शहरी विकास का है, देहरादून बैंगलोर और देहरादून दिमाग में जहन में आते थे कि सेटल होना है या यहां आ जाना है रहने के लिए, एक खुशनुमा माहौल मिलता है। स्लम आपके यहाँ एक बढ़ता जा रहा है और इसको आप माइनस नहीं कर सकते, उनको नागरिक सुविधाएं मुहैया हो इसके लिए भी एक जिम्मेदारी है। तो वो और दूसरा ये कि बाहर से लोग आ रहे हैं सेटल हो रहे हैं, वो एक मुद्दा और है जिसको कि तमाम सारे विषय पे पूरे देश में चर्चा है, एक मुद्दा वो है। तो क्या इसका बीच का रास्ता निकालते हैं? पहला तो ये कि इस्लाम को लेकर और बाहर से आने वाले लोगों को लेकर आपकी नीति क्या है? नहीं, मैंने कहा ना कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए हमारे यहाँ पहले से निर्धारित है कि आपको कितनी जमीन हम लोग दे पाएंगे। अब मान लिया आपने कहा कि 250 वर्ग मीटर आपको देंगे जी, अब उसमें आप अपना मकान बनाएंगे, आप रहेंगे, लेकिन उसके आड़ में आप अन्य कार्य करेंगे तो वो सरकार स्वीकार नहीं करेगी। चमोली का मतलब आप किस रूप में कहना चाह रहे हैं? चमोली का मतलब कह रहे जैसे मान लीजिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर कोई अन्य धर्म का भी व्यक्ति आया तब भी वहां पे दिक्कत। नहीं, धर्म का जहां तक आप संकेत में जो कह रहे हैं मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हमने अपने इस उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि मानते हैं। देवभूमि होने के नाते हमारा देवभूमि का देवत्व तो बना रहे उसके लिए हम लोग हमेशा से इस प्रयास करते रहे। माननीय धामी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अनेकों इस प्रकार से काम किए। मैं आपको कहना चाह रहा हूं जिस नाते आप कहना चाह रहे हैं, हमने कहा कि हम जो है जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो आए काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उसकी आड़ में कोई गलत काम करेगा, उसकी आड़ में कोई हमारे डेमोग्राफी को नष्ट करने का प्रयास करेगा तो वो तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो सर कोई क्यों करेगा सर? वो तो अगर रहने आ रहा है, काम करने आ रहा, धंधा करने आ रहा तो यही करेगा? तो यही तो समझने की बात है ना, रहने के लिए आए तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने के आड़ में यदि कोई दूसरा काम करेगा वो कैसे हम स्वीकार करेंगे, हम क्यों मानेंगे? ओवैसी जी ने आपसे सवाल पूछा है। अब ओवैसी जी का तो एक ही मात्र मकसद है, उनका तो एक धर्म है, एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज है, एक ही उनका सब कुछ है, वो तो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम तो सरकार सभी के लिए पूरा तरह से प्रयासरत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन अपेक्षा आपसे भी तो रहेगी ना, मैं ही आपके लिए करूं, आप मेरे लिए नहीं करेंगे, मेरे राज्य के लिए नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आके आप डेमोग्राफी के खिलाफ आप काम करेंगे, जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, मैं आपसे कहूं मसूरी में हमारे एक घटना हुई। मसूरी में क्या हुआ, हम लोग कहते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, एक नया जिहाद पैदा हो गया, थूक जिहाद। एक व्यक्ति आता है वो चाय में थूक डाल के और वो चाय परोसने का काम करता है, बताइए आप क्या स्वीकार करेंगे? बिल्कुल कोई नहीं करेगा। उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के लोग कहूं या अब किस रूप में मैं आप क्योंकि इतने बड़े मंच पे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी मानसिकता वालों के लोगों के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है और एक संदेश भी दिया हमने कि यदि इस प्रकार की सोच लेके या काम करने के लिए आएगा वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय धामी जी सरकार कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।